सो यो व्हाट्सअप ऑडियंस, कैसे हो सर लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग आ चुके हैं मेरे एक पुराने वर्ल्ड में। आप शायद से याद नहीं होगा आपको इसका, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वो बड़ा वर्ल्ड है जिसमें मैंने पहले अपने 7 वंडर्स बनाए थे। तो आपको ये थोड़ा याद नहीं होगा क्योंकि उसके बाद मैं इसकी वीडियो नहीं डालता था। हाँ, लेकिन तब तक आप हमारे वर्ल्ड को थोड़ा देख लीजिए। और मैंने अभी माइनक्राफ्ट इसलिए किया है क्योंकि मैंने सुना है कि माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन आ चुका है फिलहाल के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल सो जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और मैं बाकी बात हम लोग अभी करते हैं। तो वो वेपन इतना माना जाता है पावरफुल कि वो एक वन हिट भी कर सकता है वार्डन को। ये मैंने एक वीडियो में भी देखा था, लेकिन फिर अब इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे वीक कहते हैं, कुछ इसे ऊपर कहते हैं। अगर लेकिन फिर मैंने हल्की सी रिसर्च की थी, बाद में मुझे पता चला था कि इस वेपन को आप हाइट से मारते हैं तब ज़्यादा होता है। तो इसे वन शॉट कर सकते हैं वार्डन को, लेकिन हम लोगों ने अभी जाना है वहाँ। उससे बोलते क्या हैं उसे, और उसकी एक जगह भी आई है नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं जाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसकी अपडेट आया है। तो बाद में अभी मैंने माइनक्राफ्ट पर अपडेट की है, तो अब देखते हैं। वैसे आप वर्ल्ड देख लो अभी मेरा, आपको भूल गया होगा। और ये देखें, ये मेरा प्यारा सा चाइनीज़ टाइप हाउस है। इसके अंदर 5-6 बेड्स लगे हुए हैं। और उसके बाद ये हमारा एम्यूज़मेंट पार्क। और ये अभी मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये थोड़ी देर पहले ही शुरू किया था, दिनों पहले। और ये हमारा प्रोटेक्टर और उसका वो टेम्पल। और अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब आके देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो वो जो ट्रायल करके डंजन है उसका मैप मिलेगा हमें उससे। लेकिन ये बैड ओमेन वाली जो बोतल है, मैं कुछ दिनों पहले वहाँ गया था, उसे बोलते क्या है, हाँ वो जो प्लेजर आउटपोस्ट है वहाँ गया था, वहाँ पे मैं मार के आया हूँ। तो वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन ये मुझे मिल चुके हैं 3 के, तो काफ़ी है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्टोग्राफर से मिलना है हमें, उसका डंजन का मैप है, तो उसको अभी ढूंढते हैं। तो एक कार्टोग्राफर यहाँ पे होना ज़रूर था। अभी थोड़ा सी अपनी स्किल्स दिखा दूँ, अभी भी अच्छा ही हूँ माइनक्राफ्ट में, लेकिन कुछ खास नहीं। बस आज गोलम से लड़ाई करते हैं। देखो गोलम का तो मैं शॉट 3-4 शॉट्स में हरा दूँ, हरा दिया लोजी देख लो। तो बस अब चलते हैं, कोई कुछ खास तो है नहीं। और इसके लिए मैंने अपने 28 इंचांटेड गोल्डन एप्पल भी ले लिए हैं कि अगर कुछ हो जाए वहाँ पे तो। और मैंने अपना एक नॉर्मल मैप भी बना लिया है अपनी सिटी का, कि बाद में अगर भूल जाए तो। बस और आगे बढ़ते हैं गाइस, जल्दी से अभी मैं जाके अपना मैप निकलवा लेता हूँ कार्टोग्राफर से। सो हाँ जी कार्टोग्राफर, जल्दी मैप निकालो। अच्छा इससे मैं थोड़ी ना आराम से बात करता हूँ। ए कार्टोग्राफर निकालेगा ये नहीं छोड़ना। तो गाइस मैंने कार्टोग्राफर से बड़े आराम से मैप निकलवा लिया था, तो अब हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा तैयारी की मुझे ज़रूरत नहीं है, उसका नाम क्या था डंजन में जाने के लिए। तो बस अभी अपनी इलाइट्रा पकड़ता हूँ और निकलते हैं। वैसे ये अभी मेरी तरफ देखें तो ये वो लेफ्ट में पड़ता है, तो यहाँ से अब मुझे अपने घर के पीछे से जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आइस वाली जगह पे बनता है जहाँ पे मैंने ताजमहल और आइस बनाई हुई है। हल्का सा मैंने पहले जाने का सोचा था, लेकिन फिर बाद में बोला कि मैंने वीडियो ही नहीं ऑन की हुई, तो आपको भी तो साथ साथ दिखाता रहूँ ना। तो जल्दी अब वहाँ जाना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा काम नहीं है, बस उनके ऊपर से ऐसे करके नॉर्मली जाना है बस। हैं ये क्या था? ओ
ये हुआ क्या था गाइस? लैग कितना बुरे वाला लैग हुआ है। और कोई बात नहीं, अब तो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। शुक्र है यहाँ पे थोड़ी आइस थी, वरना अगर ये वैसे होता तब तो वो मुझे सारा तैर के जाना पड़ता। तो अब आ जाओ, बस थोड़ा सा ही दूर रहता है, बस देख सकते हैं आप इतना। यार गेम मेरी कितनी लैग करती है। हो चलो आओ, अब पैदल ही जाना पड़ेगा गाइस। अब मैं चलता हूँ पैदल। अरे हाँ, एक सफर में सफर बहुत लंबा है, लेकिन सफर का कोई फायदा नहीं है। चलो चलो डंजन 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 में डंजन में, चलो चलो इन सबको मार के दुश्मनों से बच के, चलो चलो पानी पीओ बच्चे सर डंजन में डंजन डंजन। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग डंजन में पहुंच चुके हैं। तो बस अभी हमारा काम ये है कि अब मैं नीचे डाउन डिग डाउन करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अंडर वाटर ही होगा, आसमान में तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन चलो, वैसे डॉल्फिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे है? ओ, तो 3 2 1 एक दफ़ा ब्रेथ ले लेते हैं। आओ अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर ये ऊपर बना हुआ तो मेरे साथ तो मुंह में हो जाएगा कहीं आसमान में। तो अभी इसका रिस्क उठा के जा रहा हूँ मैं नीचे, तो पक्का कुछ ना कुछ नीचे ही होगा बना हुआ, क्योंकि मोस्ट लाइकली एंशिएंट सिटी ऐसी चीज़ें नीचे ही बनी होती हैं। तो अब देखते हैं हम लोग के क्या होता है। अभी इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये सही निकलेगा, तो देख लो एक दफ़ा मैं। हाँ नहीं यार, मेरा साथ ऐसे करके तो घुट जाएगा। चलो कोई स्टोन वगैरह उठ के ऊपर लगा दो। हाँ और टॉर्च है, टॉर्च जल्दी निकालो, वरना बहुत वो हो रहा है, उसे बोलते नहीं है अंधेरा। तो जल्दी अब लगा दी। अब मेरे ख्याल से तो नीचे है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक खोज आ जानी चाहिए थी यार मेरे ख्याल से। यार शिट, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी हमने। करते रहो करते रहो करते। ओए ओए, ये फाइनली हमें वो मिल गई जगह जहाँ पे हमें मिलना चाहिए था अपना मैप। क्या सही जगह है भाई। तो हमें अभी बहुत सही जगह मिल चुकी है। सबसे पहले बैड ओमेन का पोशन पी लो। हाँ तो गाइस पी लिया, अब आ जाओ ढूंढने चलते हैं तो साइड में। और ये देखो यार, ये स्पॉन, ये कौन सा टोर्नेडो है? कैसा टोर्नेडो है हैं? ओ यार इसे क्या है, क्या छुप के क्या हो रहा है यहाँ पे? इसने क्या इफेक्ट्स पार्टिकल क्या छोड़ा है हैं? क्या आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा ये क्या कर रहा है हैं? इसका नाम क्या है? अजीब सा टोर्नेडो है। और मेरे ख्याल से इसको स्वॉर्ड से ही मारना पड़ेगा, इसे वरना डैमेज नहीं मिलता। तो ये स्केलेटन से कब से आर्मर पहनने लग गए, और वो भी ट्रिम डायमंड का आर्मर और वो प्लस ट्रिम। यार ये क्या हो रहा है, मतलब अगले अपडेट में ये लोग वो ले आए, उसे बोलते क्या है ना, उसको बोलते क्या है यार। हाँ स्केलेटन वो नेदराइट का आर्मर। यार मेरी जुबान भी बड़ी फिसल रही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके इनसे आपको मार दूँ। थोड़ी जब यहाँ पे बहुत अंधेरा है तभी तो स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं। ये कौन सा ब्लॉक है, क्या अनब्रेकेबल एक और ब्लॉक आ गया वापस है? यहाँ से क्यों रहते हैं? और अब क्या करें गाइस, तो बस अभी इनको मारता ही हूँ मैं। ये क्या है है? क्या कोई एडवांसमेंट भी आई थी मुझे अभी इसका तो नहीं पता, लेकिन अब आ जाओ आगे। तो आगे आके देखते हैं क्या है हमारे पास। और तो मैं सोच ही रहा हूँ कि बस अभी इनके स्पॉनर को तोड़ दूँ या नहीं, थोड़ा जा नहीं रहा। और ऊपर से लोग पीछे से आए हैं। मैं कहता हूँ कि पहले इन सबको करके मेन चीज लेके आपको मिलता हूँ। ये वैसे वीडियो बन गई थी 20 मिनट की, लेकिन अब ये जितने सेकंड आपको दिख रहे हैं उसमें मैंने थोड़े मॉब्स मारे और बस थोड़ी ग्राइंडिंग की, लेकिन असली पार्ट अब से शुरू होता है। अभी हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं डंजन से। तो
तो फिलहाल तो अभी मैप किधर गया, यहाँ है। हाँ, आधा रास्ता हम लोगों ने तकरीबन पार कर ही लिया है, बस थोड़ा आगे जाना है, तो जल्दी जाते हैं। तो देख लेते हैं गाइस कि हम लोगों का आगे जाके क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ तो डायरेक्शन बनती है ये, हमें इस डायरेक्शन से जाना है उस तरफ, यहाँ से अब हम लोग यहाँ जाएंगे। और ये फाइनली हमारा बेस आ चुका है, हम वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये शुरू होने वाली है यार। शिट, आज मैंने एक और काम भी करना था, बेस बनाना। तो देखते हैं किधर है, नहीं रेड खत्म होने वाली है ना, कोई पता नहीं है यार, होने दो अगर हो रही है तो थोड़ी इनको भी पता चलेगा क्या। ओए वैसे रेड कैसे हो रही है, एक विलेजर के अलावा मैंने तो विलेजर रखे नहीं है, है एक ही विलेजर होता है, जब मन करता है उसे लाइब्रेरियन बना देता हूँ, जब मन करता है कार्टोग्राफर। दिखाओ किधर है, है? किधर से रही है भाई रेड, रेड वाले बंदे की तरह किधर है भाई। हाँ दिख तो रही है सिंबल, यहाँ कहीं भी होंगे क्योंकि नहीं ये काम हो सकता है, क्योंकि इस आइलैंड के आसपास तो कुछ खास नहीं है। हाँ मेरे घर के ऊपर चढ़े हुए हो, मैं तुम्हारा भी भरता बनाता हूँ। हाँ आओ, हाँ अब बोलो। ये मैं सोच रहा हूँ किधर है, मेरे सर के ऊपर खड़े हुए हैं, अजीब। किधर है वैसे वो वाला उनकी जगह, बस मार के तो आया हूँ मैं, है और किधर है, किधर है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं वहाँ तो नहीं है, ऐसे बोलते क्या है, देखना पड़ेगा अभी। यार ये लोग एक सेकंड भी सुकून नहीं होने देते। तो अब देखते हैं ये अब किधर स्पॉन हुए हैं, यहाँ वहाँ तो नहीं हो गए। हाँ आ गई है, रेड हो चुकी है, रेड हो चुकी है। आओ देखो 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 किधर है, हाय अल्लाह किधर है वो, फिर मुझे दिखाएगा किधर है, इधर तो नहीं है वरना अभी तक पता चल जाता। अभी मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ये, यहाँ पे कहाँ है भाई, या अल्लाह किधर है ये लोग, मुझे मेरे को मदद नहीं कर रहा ये, बस मुझे इतना बता दो ये है किधर। ओए इधर है विलेजर पास है, अच्छा आप समझ लगे, जहाँ पे विलेजर्स होंगे ये लोग वही जाएंगे, तो विलेजर तो नहीं मरा ना, शुक्र है नहीं मरा। और क्या यार एक मिनट में अभी रुका हूँ मैं वापस शुरू, और ना तो जगह दिखती है इसकी, पता है कितने फार वर्क वेस्ट करने पड़ते हैं इनको देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा मरते हैं, हाँ वहाँ में जाके करते हैं स्टंट, मज़ा आएगा। तो पहली बात अभी आर्मर उतार, नहीं नहीं मरते क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा सामान है इन्वेंट्री में। क्या है सांडे, क्या कर रहे हैं सांडे, ज़्यादा शौका हो रहा है, ये ले कर दिया, सही कर दिया दो मॉब, यार इनको क्या है ना, मेरी हंगर भरी हुई है। तो अब देखना पड़ेगा ये खा के दर, तो अब जल्दी आ जाओ। तो अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, इधर ही कहीं गया था वो बंदा, किधर है किधर है,
मेरे सीक्रेट बेस में तो नहीं सब छुपा हुआ, दिखाता हूँ मेरा सीक्रेट बेस किधर है। ये हाँ कहीं खास नहीं है, तो बस यहाँ कहीं था मेरा सीक्रेट बेस, इसको मैंने छुपाने का सोचा, इधर ही करके था। अब मुझे वो भी नहीं मिलेगा, वहाँ सीक्रेट बेस भी मिल रहा है, ये वो किधर है? ओ यार अब समझ लगी, यहाँ ही तो बंदे पहुँच नहीं सकते। दो मॉब्स है ना, एक को तो मार दिया वन लेफ्ट, तो दूसरे वाला भी बंदा मुझे लगता है कि कहीं लेक में घुस गया होगा। आ जाओ, क्या है किसने भी मुझे मारा? ओह अच्छा ना जी, ये लो हाँ मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो मारो 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 अब मारो अच्छे से मारो अच्छे से मारो ना मज़ा आएगा। मारो 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 अच्छे से मारो, एक टोटम पॉप करवाओ। एक टोटम पॉप नहीं करवा पाए यार, इतने साल दे दिए इन लोगों को, टोटम नहीं पॉप करवा पाए। सो वीक, क्या तेरे चेस्ट प्लेट तक नहीं पहनी हुई थी? बहुत ये रेट खत्म कब होगी? मैंने भी अपने बेस पे काम शुरू करना है। हाँ तो चलो अपना काम तो शुरू अभी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई करके एक बेस बनाना चाहता हूँ, तो जल्दी से एक होल यार मेरे पास यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, मेरे पास कोई प्लैंक नहीं है, ये नहीं हो सकता यार। अभी देखना पड़ेगा पूरा कि अभी मेरे पास कोई प्लैंक है तो अब देखते हैं। तो अभी बाहर जाता हूँ मैं देखने क्या कहीं पे। वो यार मैं कहता हूँ पहले ये रेड का सिस्टम ख़त्म करते हैं, पेड़ ही बनाऊँगा। ये पक्का रेड होती है ना वहाँ होती है अलग अलग कोनों पे, तो पता नहीं चल रहा मुझे ना, वैसे ऐसे पता ही नहीं चलता है किधर है। ये मिडल वाले इलाके पे तो नहीं आए? अल्लाह चलो तुम्हारे लिए बहुत आसानी कर देता हूँ, जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं ये लग रही हैं फ़िलहाल उन्हें फेंक देता हूँ। ट्रायल एक्सप्लोरर ये मैप ये सबको निकाल दिया, ये लो ये ले लो, और ये मैप को निकाल दी, ये भी ग्लास भी ले लो तुम। हाँ ये निकाल दिया, सिर्फ बूट्स हैं क्योंकि उनका कुछ है, और ये मैं ये टोटम आगे रख लेता हूँ। आओ मार सकते हो तो मारो, अभी भी अगर तुम डरते हो तो आ जाओ, डरते हैं यार आ जाओ। हाँ आते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है, किधर है? मुझे लगता है ऊपर तो नहीं है, नहीं ऊपर से गया कैसे होगा, मुझे लगता है बिल्डिंग्स के अंदर गए हैं। नहीं सेकंड भी नहीं, नहीं अब समझ लगी किधर है, ऊपर आई थी रेड। ओए ओए गलत ही अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो अब चलते हैं ऊपर। और गाइस अभी मैं आपको थोड़े टूल्स ला के मिलता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना वो बनाना है बेस बनाना है, और इस रेड को मैं क्लियर करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों को आपको जैसे पता है हमारी रेड हुई थी, उसके बाद अभी मैंने अपना सीक्रेट बेस भी बना लिया है। तो लेकिन मैंने अभी आपको कोई चीज़ दिखानी है, जैसे कि मेरा शुरू में मकसद था कि हम लोगों ने सबसे पावरफुल वेपन बनाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो वेपन मैं अभी बनाने वाला हूँ,
मेरे पास टोटल ये 10 हैवी कोर हैं और 10 ये इसका नाम क्या ब्रीज रॉड हैं। तो अभी मेरे पास ये आ चुका है और मैंने 64 चार्जेस भी बना लिए। इसके बाद अब मेरी ये ब्रीज रॉड ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन अभी मैं 9 मेज और बना सकता हूँ। लेकिन अब अगली तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बोला था मैंने एक सीक्रेट बेस बनाना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक टॉप सीक्रेट जगह पे बना हुआ है, जहाँ पे आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, यही कहीं था। हाँ, तो ये नहीं है वो बेस, ये मेरा पहले का कोई बेस बना हुआ हुआ है। तो इसे जाके देखते हैं। ओ, ये बेस मेरा पुराना बेस है, इसे मैंने सीक्रेट बेस बनाने का सोचा था, लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं है बस। तो अब मैं आपको अपने रियल वाले बेस की तरफ लेकर चलता। वैसे यहाँ इस बेस का मैं भूल गया था इसके अंदर क्या रखा हुआ है, क्योंकि एक बहुत पुराना बेस है। और वैसे भी मैं माइनक्राफ्ट जब भी खेलता हूँ तब मैं एक न्यू वर्ल्ड बना लेता हूँ, क्योंकि पुराने वर्ल्ड में ऐसा करके बार बार फिर ग्राइंडिंग ये वो होना पड़ता है, करना पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, खाना मेरा ख़त्म होने वाला है बस, और कुछ है भी नहीं। तो अब आगे बढ़ के मैं आपको अपना बेस दिखाता हूँ। तो वो बेस अभी आपको दिखाता हूँ, यही पे है बस, ज़्यादा दूर नहीं। ऊपर से मेरी हंगर गई हुई है तो मैं स्लो में जा रहा हूँ। तो यहाँ है करके है, ने एग्जैक्ट शॉट वहाँ पे मारे जहाँ पे है वो। हाँ, तो ये एक नॉर्मल सा जंगल आपको लगेगा, यहाँ पे वो भी है बस, नॉर्मल हर जगह नॉर्मल है ना। तभी आपको अब पता चलेगा कि असली में यहाँ कहीं था। नहीं, ये वाला नहीं था, ये वाला था, खुद मैं भूल जाता हूँ, शायद से ये वाला था। हाँ, ये वाला ही था। जब आप यहाँ आओगे तो आपको दिखेगा। ये नहीं, किधर से है भाई, मैं खुद भूल गया हूँ। ये भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये गोल उधर का होगा। हाँ, आप समझ लगी, यही है। और इतना खुद टफ है। हाँ, ऐसे ढूंढना मैंने पहले से ही बोला था, और उसके बाद आपने बस ये दबाना है, ये कलेक्ट करना मत भूलिएगा। और मैं उसके बाद अब मैं घंटा लगा के स्टोन तोड़ूंगा, क्योंकि मेरी पिकैक्स मैंने घर पे ही छोड़ आया हूँ, और वहाँ तक अपने भाग के जाने नहीं वाला। तो जल्दी से इसे पकड़ लो। और अब आपने देखा होगा कि ये रास्ता तो बिल्कुल नॉर्मल था, अब ये कैसे खुल चुका है। तो उसके नीचे भी मैंने ये ब्लैक पोनी लगाए हुए हैं, कुछ अभी खास नहीं किया। तो बताइएगा कि मैं इसमें कुछ करूँ या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अगली वीडियो में मैं इसके अंदर कुछ बनाऊंगा, तो मैं आपको मिलूंगा इसको वीडियो में। तब तक के लिए बाय।